वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। हॉलीवुड निर्देशक चक रसल के निर्देशन में बनी जंगली का बॉक्स ऑफिस पर पहला हफ्ता निकल गया है। पहले हफ्ते में फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक ही कमाई की है। हालांकि एक्शन स्टार विद्युत जामवाल की पिछली फिल्म कमांडो 2 के मुकाबले जंगली की कमाई थोड़ी सुस्त है। माना जा रहा है कि टिकट खिड़की पर जंगली के लिए दूसरा हफ्ता इम्पोर्टेंट है। हालांकि शुक्रवार को जॉन इब्राहिम की रॉ यानी कि अकबर रोमियो वॉल्टर के आने से जंगली को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे पहले हफ्ते में गुरुवार तक जंगली ने भारतीय बाजार में 21 करोड़ के लगभग की कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक जंगली ने शुक्रवार को 3.5 करोड़, शनिवार को 4.25 करोड़ और रविवार को 6 करोड़, सोमवार को 2.5 करोड़, मंगलवार को 1.5 करोड़ और बुधवार को भी 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। गुरुवार को फिल्म ने 1.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अब तक फिल्म ने कुल 21 करोड़ के लगभग कमा लिए हैं। तो ये तो थी जंगली की बात। वहीं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बाकी फिल्में जैसे कि बदला और लुका छुपी ने कितनी कमाई की है वो भी हम आपको बताते चलते हैं। सुजॉय घोष के निर्देशन में बनी बदला ने चौथे हफ्ते तक शानदार कमाई की है। अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टारर मूवी ने पहले हफ्ते में 38 करोड़, दूसरे हफ्ते में 29 करोड़, तीसरे हफ्ते में 11 करोड़ और चौथे हफ्ते में 5 करोड़ के लगभग की कमाई की है। अब तक लुका छुपी ने कुल 83 करोड़ के लगभग की कमाई की है। वहीं लक्ष्मण उटेकर की निर्देशन में बनी फिल्म लुका छुपी 5वें हफ्ते तक भारतीय बाजार में 92 करोड़ की कमाई करने में कामयाब हुई है। पिछले हफ्ते में फिल्म की कमाई के ट्रेंड को देखते हुए 100 करोड़ की कमाई का बेंचमार्क क्रॉस करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि बॉक्स ऑफिस के लिहाज से कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की मुख्य भूमिकाओं से सजी लुका छुपी सुपरहिट है। तो फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।